अनुज इस बार ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि वो छुट्टियों में इस बार कहाँ जाए, और बिना दोस्तों के छुट्टियां बिताना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि हर साल वो अपने दोस्तों के साथ ही किसी ना किसी ट्रिप पर जाया करता था। लेकिन इस बार सब कुछ ना कुछ काम कर रहे थे और बिजी थे। अब बहुत सोचने के बाद उसने डिसाइड किया कि वकेशंस पर क्या करना है। उसने इंटरनेट पर कुछ सर्च किया और अपने फोन में एक नंबर डायल किया। हेलो, क्या ये अपना घर वृद्धाश्रम है? जी हाँ, बोलिए, मैं यहाँ का इंचार्ज बोल रहा हूँ। एक्चुअली मुझे कुछ डोनेट करना है और बुजुर्ग लोगों से मिलना भी है। अरे जी जनाब, आप आ जाइए, यहाँ सभी बुजुर्ग बहुत खुश होंगे आपसे मिलके। ठीक है, मैं सुबह आता हूँ। अगले ही दिन सुबह सुबह अनुज वृद्ध आश्रम के लिए निकल गया था ताकि पूरा दिन वहाँ गुजार सके। कार में उसने सारा सामान चेक कर लिया था। अब अनुज को कार चलाते वक्त वो सब याद आने लगा कि किस तरह कुछ दिन पहले वो आश्रम के बुजुर्गों द्वारा बनाए गए पंडाल में पहुंचा था, और वहां उसे उन बुजुर्गों को इस उम्र में ऐसे देखकर इतना बुरा लगा था, और कितने दिन तक वो सब उसके दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। अनुज के पापा उसके बचपन में ही गुजर गए थे, उसकी माँ ही अनुज के लिए सब कुछ थी, लेकिन 2 साल पहले उसकी माँ भी उससे हमेशा के लिए छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। मुझ जैसे अनाथ माँ बाप के लिए तरसते हैं, और ये लोग माँ बाप को ऐसे ही छोड़ जाते हैं, कितनी शर्म की बात है। अनुज बहुत इमोशनल किस्म का इंसान था। उसने उसी दिन से सोच लिया था कि इन बुजुर्गों के लिए जरूर कुछ करेगा। अनुज ने वहां पहुंचकर अपनी कार पार्क करी और कार में से सामान निकाल ही रहा था कि तभी पीछे से एक आदमी आया। अरे सर, आप आ गए, मैं सामान निकलवा देता हूँ आपका, आप चलिए, आप बेसब्री से हाल में इंतजार करिए, सब वहीं बैठे हैं। अनुज को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके आने से सबको इतनी खुशी होगी। उसने अपना लाया हुआ सामान सभी बुजुर्गों को अपने हाथों से देना शुरू किया कि सब उसे आशीर्वाद दे रहे थे। सारा सामान बांटने के बाद अब अनुज एक कोने में जाकर बैठ गया था और सबको दूर से देखने लगा था, और उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे थे। आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ, काश आज आप मेरे साथ होती, कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा। अनुज अपने आप से बातें ही कर रहा था कि अचानक उसकी पीठ पर किसी ने हाथ फेरा। अनुज एकदम चौंक कर पीछे घूमा तो पीछे उसे सरला जी दिखाई दी, वो भी इसी आश्रम में रहती थी। अनुज सरला जी से पहली बारी पंडाल देखने जब गया था वहां मिला था। किसने कहा बेटा कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? आज से हम सब तुम्हारा परिवार है हमारे बेटे, अब से कभी अपने आप को अकेला मत समझना। वहां सभी लोगों ने बहुत प्यार दिया। आज पहली बार अनुज को माँ की कमी महसूस नहीं हुई थी। अब सबको अलविदा कर अनुज घर के लिए निकल पड़ा और कार में बैठे हुए सोचने लगा कि अच्छा हुआ कि इस बार वो यहाँ आ गया। आज घर जाके सभी दोस्तों को मैसेज करके बताऊंगा कि आज क्या मिस किया उन्होंने। एकदम अचानक अनुज की नजर कार मिरर पर पड़ी, उसी वक्त उसने कार को ब्रेक मारी। उसकी कार की बैक सीट पर उसने सरला जी को जब देखा तो वो हैरान रह गया था। आप यहाँ कैसे, कब चढ़ी मेरी गाड़ी में? बेटा, मुझे एक बार मेरे बेटे से मिलवा दो, सालों हो गए उसको देखे, मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे साथ आई हूँ। अनुज के पास उनकी बात का
कोई जवाब नहीं था, लेकिन वो उनकी भावनाओं को समझ रहा था। आंटी जी, इस तरह मैं वृद्ध आश्रम में से बिना किसी को बताए किसी को लेकर नहीं जा सकता, मुझे परमिशन लेनी होगी। नहीं बेटा, उन्हें फोन मत करना, वो नहीं जाने देंगे। मैं तुमसे विनती करती हूँ, एक बार मेरे बेटे से मिलवा दो। अनुज सरला जी को मना नहीं कर पाया और उनके कहने पर शहर से बहुत दूर आ गए थे वो लोग। अब एक हवेली जैसे घर के सामने सरला जी के कहने पर उसने अपनी कार रोक दी। सरला जी भागती हुई गेट तक गई, लेकिन उनकी खुशी वहीं खत्म हो गई, क्योंकि गेट पर ताला लगा हुआ था और घर में कोई लाइट भी नहीं जल रही थी। अनुज ने आसपास नजर घुमाते हुए देखा तो चाय की दुकान पर नजर गई। वहां एक आदमी भी बैठा था, उसे पूछताछ कर वापस आया। आंटी, अब वो लोग यहाँ नहीं रहते, कुछ महीनों पहले ही उन्होंने ये घर बेच दिया था और उनका नया एड्रेस किसी को नहीं मालूम। दिल का दर्द अब सरला जी की आंखों से आंसू बंद बहने लगा और तेज तेज रोने लगी। घर बेचने से पहले उसने मुझसे पूछा भी नहीं, ये घर मेरा था जो मैंने 7 साल पहले उसके नाम कर दिया था। अनु जब सरला जी को लेकर अपने घर पहुंच गया था, वहां उन्हें खाना खिलाया, देर रात तक उनसे बातें करी और अब अनुज सो गया था और कब सोया उसे मालूम नहीं हुआ, मानो जैसे आज उसे अपनी माँ मिल गई हो। सुबह उठकर अनुज जब सरला जी के लिए चाय लेकर उनके कमरे में गया तो सरला जी वहां नहीं थी। अनुज ने तुरंत वृद्ध आश्रम में फोन किया। अरे सुनिए, कल सरला जी मेरे साथ आई थी, लेकिन वो शायद वापस वहां आ गई होंगी, आप उन पर गुस्सा मत होना, वो अपने बेटे से मिलना चाहती थी बस, आखिर एक माँ जो है वो। ये सब सुनकर मैनेजर के होश उड़ गए थे और धीमी आवाज में कहने लगा, जी सर, एकदम ठीक बोला आपने, माँ है वो, तभी उनकी रूह भी अपने बेटे के लिए तड़पती हुई वहां तक पहुंच गई। सरला जी तो 15 दिन पहले ही इस दुनिया से चली गई थी। आपने जो भी बताया मैं समझ गया हूँ, वो रोज बस अपने बेटे का इंतजार करती थी और उसी इंतजार में रह गई।